क्या नाम महाराज जी आपका? पंडित घनश्याम दास। घनश्याम दास जी कितने साल के हैं आप? हम 63 साल के। 63 साल के हैं। तो संत रूप में कब से आए आप महाराज जी? हम बचपन से हैं। बचपन से आए हैं। माता पिता दिए हुए हैं, हमारे बिहार का जन्म है। अच्छा, तो महाराज जी ये बताइए संत रूप में कब से आ गए आप? उसी समय से, बचपन अच्छा, से ही। बचपन से आ गए। अच्छा, इसी झोपड़ी में रहते हैं? नहीं, और अपना ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। अच्छा, कोई अपना है नहीं, जहाँ दिलाया पन्नी डालकर अपना 2 साल 10 साल 20 साल जहाँ जैसे गुजारा हो। अच्छा, अच्छा जी, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन चलाते हैं? आकाश वृत्ति। अच्छा, राम भरोसे। कोई दे जाए तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। कोई हमको देते भी है तो उनसे भी हम कहते हैं पूछने पर कुछ नहीं। अच्छा, जो दे जाए तो ठीक है, खुशी से। तो महाराज जी दक्षिणा तो हम आपको देंगे, पर हमारे कुछ सवाल है, उनके आप जवाब देंगे? हमको इसके लोभ नहीं है। जी जी, दक्षिणा का लोभ नहीं। बिल्कुल, जो आपका कर्म है आप अपना कर्म कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी महाराज जी, लोभ नहीं दीजिए। तो महाराज जी ये बताइए हमारे धर्म का नाम क्या है? धर्म सनातन धर्म है सभी में। अच्छा, सभी का है सनातन धर्म। अच्छा, सनातन धर्म, हमारे सभी का धर्म सनातन धर्म है। इसमें से 4 संप्रदाय बने हैं जी, उसमें श्री वैष्णव जी सर्वश्रेष्ठ। जय हो। अच्छा, अरे वाह, उसी श्री वैष्णव। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी हमारे जो राम जी थे उनके पिताजी का क्या नाम था? जी का पिता का नाम राजा दशरथ जी। दशरथ जी के पिताजी का नाम? राजा दशरथ के पिताजी का नाम आज। आज के पिताजी हुए रघु के राजा दिलीप जी। इतना 5 पीढ़ी तक बताए हैं। अरे वाह महाराज जी, रघु महाराज से रघुकुल पड़ा है इसका नाम। जी हाँ, बहुत अध्ययन किया महाराज जी आपने। दोस्तों हमको महाराज जी मिले हैं ऋषि के हरिद्वार में, आप देखेंगे। महाराज जी आपने तो कुत्ते ही पाल रखे, साथ में कुत्ते भी सोते हैं? देख लीजिए। अरे वाह, कहाँ जाएगा, क्यों जी, वैसा ही बात है ये जी। हम वैष्णव है तो माता को, जब माता ने भैरव को सर काटे जी, तो भैरव ने बोला माँ जी, माँ के पद नहीं दूंगा। भाई माता के तस्वीर में आप देखते होंगे, हनुमान जी आगे हैं, भैरव पीछे हैं। अरे तो ये हमारा भाई बहन हो गया ना। जी तो हम वैष्णव भाई बना लिए, हम वैष्णव हैं, वैष्णव में भी श्री वैष्णव। अच्छा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी कोई दिक्कत नहीं देते आपको? कोई दिक्कत की क्या सवाल है, जाकर राम, जाके राम ने बिगड़ी हूँ कि कोई बिगाड़े नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये होते हैं सच्चे संत, ये होते हैं निर्मल संत। सच्चे संत वाली बात नहीं है जी, कर्म है, जनरल नॉलेज है जी। यहाँ आकर मृत्यु लोक कर आप पढ़ाई पढ़िए, तो पढ़ाई है भला और बिरा। अच्छा, गृहस्थ और विरक्त, यहाँ पे संत और गृहस्थ जी, जी समझ रहे हैं जी, 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 जी। 3 ब्रह्मचर्य जी, प्रथम आश्रम है जी, ब्रह्मचर्य आश्रम। हाँ, द्वितीय में वानप्रस्थ, यहाँ ने शादी विवाह कर पांडव राम की तरह वनवास ब्रह्मचर्य को पालन किया। पलमान लोग भी लंगोटा बांध के रखते हैं, तभी पलमान जो ब्रह्मचर्य को पालन करेगा, कामदेव को यहाँ कोई नहीं जीत पाया जी, है। अच्छा, ना बात जी महाराज जी, हाँ, गुरु बनाने से पहले किताब पुस्तक में सभी है कि जो प्रभु को भजेगा वो नारी को काठ और पत्थर का समान समझेगा। अच्छा, समझ रहे हैं ना जी, जी। और हम एक ही हैं जी, न काठ समझे न पत्थर समझे, हम एक हैं जी। जब नर मदेश्वर शिव का तस्वीर देखे है कहीं जी, तो हम एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी हम महाराज जी पकड़ना थोड़ा सा, तो आपकी जानकारी ये महाराज जी आपकी दक्षिणा स्वीकार करिए। आइए महाराज जी, इधर आइए, नहीं चाय तो बाद में पियेंगे, इधर आइए। राम वंश का है जी जी, और राम ही हिंदू धर्म का जो है सर्वश्रेष्ठ हमारा राम जी। पकड़ी महाराज जी, बहुत सुंदर। चाय क्या डर? नहीं चाय नहीं महाराज जी, आप पकड़िए, पकड़िए, आशीर्वाद देंगे। अरे महाराज जी देख लीजिए दोस्तों, कितने निर्मल संत है, इस झोपड़ी में रहते हैं, और इनको कुछ देना चाहा हमने खुश होकर के, तो महाराज जी ने जो है एक तरीके से बोला है कि मुझे चाय के लिए चाहिए, और चाय लेने गए हैं शायद। अब देख लीजिए यहाँ पर हैवी नहीं, झोपड़ी में से निकल चुके हैं, तो ऐसे होते हैं सच्चे संत, इन्हें बोलते हैं निर्मल संत। तो दोस्तों निवेदन यही करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए सच्चे संत होते हैं, बड़े ही निर्मल होते हैं, और उन्हें कोई पैसे को या किसी दक्षिणा का लोभ नहीं होता है। तो यहीं मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहता हूँ सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।